हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आ चुका हो और एक फोटोशॉप ट्यूटोरियल के साथ। आज का जो एडिटिंग होगा वो होगा अलग, क्योंकि इतना देर से मैंने बहुत सा एडिटिंग कर लिया, बट मैंने इंस्टाग्राम पर जो मैं हम लोग जब इंस्टाग्राम पर पिक्चर अपलोड करते हैं, पिक्चर का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। आप लोगों को आज डिटेल्स में बताऊंगा हम लोग कैसे A to Z अच्छा क्वालिटी के साथ पिक्चर एडिटिंग कर सकते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, फोटोशॉप में कभी भी पिक्चर का क्वालिटी ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। फोटोशॉप जो मेरे पास है 2014 है, और फोटोशॉप 2020 ऑन भी है, ठीक है। सो गाइस, 2014 का जो फोटोशॉप है मेरे पास, इसे आज हम एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर हम लोग फोटो अपलोड करने के लिए इंस्टाग्राम जो साइज़ होता है वो आप लोगों को क्रॉप कर लेना है, ठीक है। पहले ये देखो इंस्टाग्राम साइज है, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉप करते हैं, पहले क्रॉप इतना सही है, ठीक है। हाँ ठीक है गाइज, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट लेयर करेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पिक्चर पर उतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, फिर भी हम लोग रिटचिंग करेंगे। दो लेयर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो A to Z देखना गाइस, तब भी आप लोगों को समझ में आएगा। फिल्टर पर जाएंगे, यहाँ पर देखो ब्लर है, ग्रॉसिन ब्लर, देखो आपका जितना मन करे आप लोग ब्लर दे सकते हो, उतना अच्छा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ी दे देना जितनी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इतना सही है, तो इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फर्स्ट जो लेयर होगा उसको ऑन कर देता हूँ। करने के बाद इमेज पर जाएंगे, अप्लाई इमेज, देन यहाँ पर हम लोग जो लेयर पर ब्लर इफेक्ट डाले थे उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबस्ट्रैक्ट, देन ये जो अमाउंट है ना, इसको ऑन और टू, मैं टू कर देता हूँ, ऑन भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। करने के बाद इसको ओके कर देते हैं। ब्लेंडिंग मोड हम लोग क्या करेंगे, ग्लिनियर लाइट, ठीक है गाइस। सो सब कुछ हो गया, इसको ऑफ कर देते हैं फर्स्ट जो लेयर है इसको, ठीक है। देन यहाँ पर मिक्सर ब्रश टूल ले लिया। लेने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर रिटचिंग करेंगे, ठीक है। सो गाइस, जो जो मैं दिखाया आप लोग ध्यान से करना, और कुछ भी समझ में ना आए वीडियो को स्टॉप करके देखना, ठीक है। सो मैंने बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हो, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा आई होप, ठीक है। सो जब भी ट्यूटोरियल देखो और ट्राई करो, ठीक है गाइस। और फोटोशॉप उतना हार्ड ही नहीं है, बट आप लोग जब भी ट्यूटोरियल देखोगे ना और ट्राई करने के साथ साथ आप लोगों को सब कुछ पता हो जाएगा कैसे एडिटिंग करना है, ठीक है। सो देख सकते हो मैं बात करते करते रिटचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। रिटचिंग होने के बाद और मैं जब भी एडिटिंग करता हूँ थोड़ी डार्क इफेक्ट रखता हूँ, ठीक है। मुझे डार्क इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, उतना ज़्यादा कलरफुल नहीं, कलरफुल जो पिक्चर होता है उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर आप लोग जानते होगा, इंस्टाग्राम पर उतना अच्छा कलरफुल एडिटिंग लोग अपलोड नहीं करते, ठीक है। तो डार्क मूड और पिक्चर के साथ साथ आप लोग समझ सकते हो आपका पिक्चर पर कौन सी कलर अच्छा लगे, ठीक है। ये जो पिक्चर है ना, देखो लुक जो पिक्चर है, ठीक है, ये अलग तरीके से है, ठीक है। मेरा मतलब जो पिक्चर का क्वालिटी है, ठीक है, इसका लुक है, इसके साथ साथ कौन से कलर अच्छा लगेगा, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है गाइज। सो देखो मैंने बात करते करते रिटचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज, मेरा रिटचिंग हो गया, पहले जो लेयर ऑफ कर दिया था इसको ऑन करते हैं, और देखो कितना सही तरीके से रिटचिंग हो गया, ठीक है भाई, सब कितना खतरनाक है ना। सो गाइज, अभी हम लोग क्या करेंगे, सभी लेयर को एक करते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस ई प्रेस करके। करने के बाद पहले हम लोग हेयर ठीक करेंगे, हेयर ठीक करने के बाद फिल्टर पर लिक्विफाई यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा जूम कर दें, ठीक है। हेयर को मैंने कैसे ठीक करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप लोग ठीक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका मॉडल का जो हेयर है बहुत ही सही है, यहाँ पर अलग से कोई भी ब्रश अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। सो सभी काम हो गया मेरे को, देन सभी लेयर को एक कर देता हूँ। करने के बाद फिर से कॉपी कर लेता हूँ, अभी होगा कलर ग्रेडिंग, ठीक है गाइस। और पहले और एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ी लाइट इफेक्ट ऐड करेंगे, यानी कि
पीछे से साउंड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उस टाइप का एक लाइट यहाँ पर ऐड करूँगा। कहाँ पर है ये जो साइन है ना, इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है गाइस। चलो देखते हैं कैसे होता है। इसको ब्लेंडिंग में स्किन रखना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है, कंट्रोल अल्टा शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ से देखो यानी कि पीछे से एक सनलाइट आ रहा है, ठीक है, इससे पिक्चर और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है गाइस। सभी लेयर को एक कर दिया, कट करता हूँ पहले, और अभी हम लोग कैमरा फिल्टर पर जाएंगे, ठीक है, या यही से हम लोग कलर ग्रेडिंग करेंगे, बहुत ही खतरनाक, ठीक है गाइज। सो गाइज हम लोग बेसिक पर जाएंगे और पिक्चर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा करना है क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर अपलोड होगा, ठीक है। आप लोग जानते होगा इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के बाद फोटो का रेजोल्यूशन जो होता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है गाइज। सो गाइज यहाँ पर वाइट हाईलाइट बहुत ज़्यादा है, इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, कम करने के साथ ब्लैक को कम करता हूँ और यहाँ पर टेक्सचर को थोड़ा बढ़ाऊँगा और यहाँ पर हम लोग कलर मिक्सर पर जाएंगे, ह्यू पर जाएंगे, ह्यू पर जाने के साथ साथ इसको ग्रीन को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे और येलो को भी कम कर देंगे। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कितना खतरनाक एक लुक आ चुका है गाइस, ठीक है, देख सकते हो। मुझे तो बहुत सही लग रही है, आप लोगों को कैसा लगा? पिक्चर के क्वालिटी के साथ साथ कलर ग्रेडिंग भी अच्छा होना चाहिए, तब भी पिक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी हम लोग साइड पर थोड़ा ब्लैक दे सकते हैं, इससे और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, ठीक है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग कॉमेंट करके बताना कैसे लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मैंने थोड़ी इफेक्ट दे चुका हूँ और यहाँ पर इफेक्ट्स पर आएंगे। इफेक्ट्स पर आकर यहाँ से और भी हम लोग शेडो दे सकते हैं, ठीक है। ओ भाई सब देख सकते हो गाइज कितना खतरनाक लुक आ चुका है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे कलर ग्रेडिएंट पर, ठीक है, कलर ग्रेडिएंट पर आने के बाद थोड़ी कलर मिक्सर पर जाएंगे, यहाँ पर येलो को और भी कम कर देते हैं, ठीक है, येलो को कम करता हूँ, ग्रीन को कम करता हूँ, जो जो कलर है यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, देख सकते हो। ओ भाई सब अभी हम लोग कलर ग्रेडिएंट पर जाएंगे, हाईलाइट और मुझे हाईलाइट देखना है, ठीक है, पहले हाईलाइट के साथ मैच कराना है कैसे लगता है, ठीक है गाइज। और देखो पिक्चर के साथ जो कलर ग्रेडिंग है मुझे बहुत ही सही लग रहा है, ठीक है गाइज। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताना। और अभी हम लोग जाएंगे हाईलाइट थोड़ी बढ़ा दिया, देख सकते हो यहाँ पर, और आप लोग चाहते हो तो शेडो भी थोड़ी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ब्राउन जो टोन होता है थोड़ी आप लोग ऐड कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। और अभी हम लोग जाएंगे कार्स पर, यहाँ पर 3 डॉट ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी मॉड इफेक्ट ऐड कर दिया, इससे पिक्चर और भी अच्छा दिखता है, ठीक है। और अभी हम लोग जाएंगे बेसिक पर, यहाँ पर देख सकते हो क्लैरिटी जितना बढ़ाएंगे पिक्चर उतना अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। पिक्चर मुझे नहीं चाहिए, पिक्चर उतना पिक्चर देना चाहिए थोड़ी, और अभी मुझे ये सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है, और मैं कोई भी कलर ग्रेडिंग नहीं करूँगा, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और करने के बाद देख सकते हो बिफोर आफ्टर कैसे होगा। ओ भाई सब देख सकते हो पिक्चर के साथ साथ कलर ग्रेडिंग भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है गाइस। और अभी जो मेन काम होगा वो होगा डॉज एंड बर्न, ठीक है गाइस। सो गाइस इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ी डॉज एंड बर्न इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्ट कर सकते हैं। करने के बाद ब्रश टूल लेना है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देख सकते हो थोड़ी डॉज एंड बर्न इफेक्ट दे सकते हैं। डॉज एंड बर्न बहुत जो टूल्स होता है यहाँ से भी आप लोग दे सकते हो, बट मुझे इस तरीके से देना है, इससे पिक्चर और भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देना है,
सो गाइस देने के बाद यहाँ पर हम लोग डॉस टूल ले लेंगे, यहाँ पर थोड़ी डॉस टूल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज मेरा एडिटिंग हो चुका है और मैं अभी आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, ठीक है, पहले कैसा था और अभी क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि जो कलर ग्रेडिंग है ना मुझे तो बहुत ही सही लग रहा है यार। यहाँ पर आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हो, यहाँ पर सिलेक्शन कलर पे आके, ठीक है, आप लोग ब्लैक कलर को थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो, बट यहाँ पर मुझे येलो कलर पर जाना है और यहाँ पर देखते हैं कैसा लुक आता है, ठीक है। देखो गाइस कितना चेंज आ रहा है, अभी भी हम लोग चाहे तो बहुत सारा कलर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा कलर आ रहा है अभी भी। हाँ ये सही है मेरे पास। और चलो गाइस मेरा एडिटिंग हो चुका है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, और अभी हम लोग मेरा जो लोगो है उसको यहाँ पर दे देता हूँ, देखता हूँ कैसे होता है। हाँ ये हो गया ना बात, ठीक है गाइज। सो बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, ये था पहले और एडिट करने के बाद, ओ भाई सब। सो गाइज कलर ग्रेडिंग देख सकते हो बहुत ही सिनेमेटिक और यूनिक, क्या ब्राउन कलर है, ठीक है। ये पिक आप लोग जब भी इंस्टा पर आप लोग अपलोड करोगे ना बहुत ही सही लगेगा, ठीक है। और कलर ग्रेडिंग देख सकते हो, कलर ग्रेडिंग के साथ साथ पिक्चर का क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा सही है, ठीक है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ गाइज इस तरह का एडिटिंग आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। और जो जो भाई लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट और एक ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टाटा गाइज।